औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला तो जो ख़त्म हो चुका है, उसमें जो बायकॉट के असरात थे वो तो सबके सामने थे, लेकिन अब तक की जो इंतखाबी नतायज हैं उसके मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी को 94, जमात इस्लामी को जो है 87 और PTI को जो है 14 सिस्टम जो है वो हासिल हुई हैं। अब जो दीगर छोटी जमातें इनमें JUI है, मुस्लिम लीग नून है, एक माजिर कौमी मूवमेंट है, इनको भी जो है कुछ नशस्तें मिली हैं, लेकिन ये तीन बड़ी पार्टियां जो है वो सामने आई हैं। तो अभी घमसान का जो रन है वो मेयर कराची के लिए पड़ेगा और पीपल्स पार्टी इसमें जो है अपना एडी चोटी का जो है मेयर बनने के लिए जो है जोर लगा देगी। ये कराची का मेयर पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत का जो है वो हामिल जो है वो बन चुका है, क्योंकि आज तक पीपल्स पार्टी का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हुआ कि वो कराची को जो है वो उसने इंतजामी तौर पे तो हमेशा जो है कंट्रोल कर लिया, लेकिन इलेक्टेबल सियासत से जो है कराची पे कब्जे का ख्वाब उसका कभी जो है पूरा नहीं हो सका था। लेकिन ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल हुई उसमें ख़ासतौर पर MQM का बाइकआउट और MQM की जो पॉलिसियाँ रहीं, उसका जो जिस तरह उसने चीज़ों को हैंडल किया, उसके साथ पीपल्स पार्टी ने इस तरह का एक इंतजामी ढांचा बना लिया कि उसके वाज़ेह असरात जो है वो हमें इंतखाबी नतायज में जो है वो नज़र आया। पीपल्स पार्टी जो है वो पहली दफ़ा कराची की अददी एतबार से जो है एक बड़ी पार्टी बन के जो है वो सामने आई है। बहरहाल ये भी एक मौजे की बात है कि ऐसा कैसे शहर के अंदर हो गया, जिस पे पीपल्स पार्टी वालों ने कहते हैं, सईद गनी साहब ने कल एक बड़ी दर्द बात की कि हैरत इस बात की नहीं है कि हम कैसे जीत गए, हम तो शहर में बहुत सारी नशस्तें जीतते रहे, हैरत इस बात की है जमात इस्लामी कैसे जीत गई। सईद भाई हमारे दोस्त हैं, मोतबर आदमी है, संजीदा आदमी है, लेकिन सिर्फ सईद भाई से मैं इतनी बात करना चाहूँगा सईद गनी साहब से, क्या हैरत इस बात पर है कि आपकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। अगर कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की होती तो वो नज़र नहीं आई। ये तो ठीक है, आप दावा कर सकते हैं कि हमने इतने पैसे जो है वो खर्च किए, लेकिन वो पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, वो हमें जो है वो नज़र नहीं आई। शहर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा नहीं, और आपकी पॉलिसियों की वजह से शहर के लोगों को जो है वो बहुत बड़ी जो है कीमत अदा करनी पड़ी। आपने शहर के लोगों पर जो है वो रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए, आपने शहर के लोगों पर जो है वो उनसे सांस लेने का हक जो है छीन लिया। शहर में जो है वो दुनिया का वाइस शहर बन गया था, जहाँ पर झाड़ू देना भी जो है वो बंद हो गई थी। नहीं, काबुल में झाड़ू दिलती थी, नहीं कराची में जो है वो झाड़ू नहीं दिलती थी। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियाँ थी उसकी कराची के शहरियों ने जो है वो बहुत शदीद नौयत की जो है कीमत अदा की है। जब तक हाफिज नईम का ताल्लुक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 साल में हाफिज नईम ने जो है अपना एक फेस बनाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और बास उन मामलों पर भी हाफिज नईम ने जो है वो आवाज़ उठाई है जिसमें बड़े बड़े और ताकतवर सियासतदान भी जो है जहाँ उनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वहाँ हाफिज नईम ने जो है वो बात की, और हाफिज नईम जमात इस्लामी को एक असर नौ जो है वो खड़ा किया। फिर उनका जो खास तौर पर इन्होंने जो कराची के बच्चों को जो है वो डिजिटल एजुकेशन देना शुरू की, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देना शुरू की, उसके बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव असर आता है। बुनियादी मसाइल पर हाफिज नईम ने जो है गुफ्तगू की। अब देख, अब यह हाफिज नईम जो है वो मेयर बनते हैं या पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब होती है, गालिब इम्कान तो यही है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। जो क्योंकि इसमें जो इसका जो इलेक्ट्रॉल कॉलेज है बल्दिया उज़्मा, उसमें ना खुफिया राय शुमारी से वोटिंग होती है, और फ्लोर क्रॉसिंग का कोई कानून उसमें जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के लिए अगर कुछ 20-25 सीटें अगर कम भी पड़ती होंगी तो उसको मैनेज करना जो है वो ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो पूरा कौमी असम्बली के ऐवानों को, सैनेट के ऐवानों को मैनेज करने का तजुर्बा रखती है, और इस तजुर्बे में पीपल्स पार्टी का शायद कोई पाकिस्तान में मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज होगा, अगर उसको लोगों को तोड़ना है तो मैनेज कर लेगी। अब देखना ये है कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ मिलके जो है अपनी हुकूमत बनाती है, या फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके डिप्टी मेयर पे जो है वो इक्तफा कर लेती है। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक सुनहरा मौका है और जमात इस्लामी के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि शहर की आप खिदमत करें, और खिदमत करके जो है शहर के लोगों के मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं। और हाफिज नईम ने बहरहाल जो है इसको हमें क्रेडिट देंगे कि हाफिज नईम ने जो है वो शहर के लोगों की जो है वो आवाज़ उठाई है, शहर के लोगों के मसाइल को जो है वो उजागर किया है, और जमात इस्लामी की जो पहले वाली पॉलिसियाँ थी उस पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पे उन्होंने यू टर्न लेके एक नए जमात इस्लामी का फेस जो है वो सामने लेकर आए, और पहली दफ़ा शायद जमात इस्लामी को जो है वो नॉन जमाती का भी जो है वो गैर जमाती अफराद का भी जो है वोट पड़ा। ये इसका क्रेडिट बहरहाल जो है हाफिज नईम को जाता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी भी अपना मेयर लेकर आने में कामयाब हो जाती है। पीपल्स पार्टी को भी चाहिए होगा कि खुदा के वास्ते जो उसकी माजी की पॉलिसियाँ थी शहर के साथ, माजी का जो उसका रवैया था इस शहर के साथ, माजी में उस शहर के साथ उसने सलूक किया था, खुदा के वास्ते उसको अब बंद कर दे, इस
शहन ने जो है वो बहुत जुल्म सहा है। हम तो चले ये भी नहीं कहते कि आपने किस तरह मैनेजमेंट करके इलेक्शन लिया, अगर आप ये समझते हैं कि शहर के लोगों ने आपको अक्सरियती पार्टी बनाया इसी पे खुश हो जाएं, लेकिन इस शहर के लोगों की खिदमत करें। अब ये घमसानकरण जो है वो दो तीन दिन में शुरू हो जाएगा, पब्लिक डे जो तोड़ जोड़ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, इस सिलसिले में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।